राजगढ़ जिले के विधानसभा क्षेत्र अच्छा खिचड़ीपुर में रहवासियों ने विधायक प्रियव्रत सिंह को राज्यपाल के नाम एक ज्ञापन सौंपा है। दरअसल हिरण खेड़ी के नवीन विद्युत उपकेंद्र निर्माण की स्वीकृति कई महीनों पहले जारी की जा चुकी है। यहां भूमि पूजन का काम भी पूरा हो चुका है, लेकिन दोनों विद्युत उपकेंद्र के निर्माण कार्य पर फिलहाल रोक लगा दी गई है। क्षेत्र के किसानों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध नहीं हो पा रही है, इसी के चलते ग्रामीणों ने विधायक के तत्काल विद्युत उपकेंद्र का निर्माण शुरू करवाने के लिए ज्ञापन दिया है। माननीय विधायक राजगढ़ और मैं, हम दोनों यहाँ पर बात करने आए थे कि जिस प्रकार से राजगढ़ जिले में डिसकनेक्शन किए जा रहे हैं और लोगों के गांव काटे जा रहे हैं और वसूली के लिए बेतहाशा दबाव बनाया जा रहा है, ये बिल्कुल अलोकतांत्रिक तरीके से किया जा रहा है, इसको गलत तरीके से किया जा रहा है। इतना किसान के ऊपर अभी दबाव नहीं बनाया जाना चाहिए, अभी बारिश भी नहीं हुई है और खाद बीज और दवाई छिड़कने के लिए किसान को राशि की आवश्यकता पड़ती है। पैसा वसूल करना है तो उसका सही समय होता है फसल पे पैसा वसूल किया जाए। और गांव डिस्कनेक्ट करने से कोरोना महामारी में एक तो बेतहाशा बिल आए हैं, उन बिलों की कोई जांच नहीं हो रही है और अब तो ऑफिशियली भी बजट में उनने डिक्लेयर कर दिया है कि जो बिजली हमारी सरकार जो छूट देती थी इंदिरा गृह ज्योति और अन्य तरह की, वो सारी छूटें समाप्त कर दी सरकार ने। राजधानी में